सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, राधे राधे और जय श्री राम। भाई आज है मंगलवार, साथ में हनुमान जी का जयंती, और एक बगल में हनुमान भी नहीं लेते। तो भाई अभी बज रहे हैं 6:15, मैं उठी थी 5:30, क्योंकि हलवाई कह रहा था कि सुबह में 5 बजे तो आ जाऊंगा ना, और उसको 6:45 कॉल करना पड़ रहा है। मेरे को नहीं लगता ये समय पे आएगा क्या, ये आ जाएगा। तो भाई अब मैं कर लेती हूँ अपना झाड़ू पोछा, क्योंकि यहाँ से फ्री होंगी तो ही बाहर हलवाइयों को देख पाऊंगी। अगर घर में बिजी रहेगी तो वो कुछ भी डाल जाएंगे मिर्च भर भर के, खाते रहो मिर्च वाले। देगी मिर्च, हरी मिर्च और वो वाली मिर्च, तीनों लाए। मैंने तो बोल दिया अभी देखते डालना है, ठीक है भैया कुछ भी नहीं डाले थे, आप बताओ। मैंने कहा वो तो देख लियो, गर्म मसाला जो डालना हो वो डाल लियो, पर वो मत डाल लियो। तो भाई अभी मैं जाके जब सामान देऊंगी तो अपने हिसाब से देऊंगी, क्योंकि गर्मी इतनी है कि अगर किसी की बॉडी में गर्म खाना ज़्यादा दिक्कत देगा ना, तो भाई कहीं ना कहीं हमें ही लगेगा, क्योंकि खा खिला हम रहे। किसी को आप खाना खिलाओ तो उससे उसकी हेल्थ ख़राब नहीं होनी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि खाना खिला के उसको अगर जाना पड़ा दिखाने के लिए डॉक्टर के पास, तो कोई फ़ायदा नहीं उस खाना खिलाने का। तो भाई 6 बज चुके हैं ऑलरेडी, अपना थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, फिर बाहर देखना भी है। अब जिम नहीं जा रहे, पहले वो आ जाए उसके बाद जाओगे ना? उसके बाद जाओगे। चलो भाई अपने पहले थोड़ा कर लेते काम, झाड़ू पोछा, फिर देखते हैं बाहर। तो भाई हलवाई को हम उठा रहे हैं, क्या कर रहे हो? वहां से निकलने का रास्ता रुक जाएगा, इतना ना रुको, साइड में कर रहे हैं। हैं साइड में कर रहे हैं, तो पहले से बाहर निकालो गाड़ी को। गाड़ी हैं क्यों करो भाई, जिम के पास खड़ी करो, नींद निकालनी पड़ी, जरूरत पड़ी तो फिर हटा तो लेंगे। हलवाई भैया लेट है, भैया आप तो 5:30 आ रहे थे। 5:30 आ रहे थे ना, मतलब 4 बजे चाहते ना बंदा, तो थोड़ा जल्दी निकलते ना, तो एक बार में पहुंच जाते सारे के सारे। वो सब अलग अलग है ना, वो आ ही रहे बस, वो अब ज्यादा टाइम ढूंढ लेंगे। रेता बिछाना पड़ेगा इसके नीचे भाई साहब। हाँ रेता बिठाओ जुगाड़। तो भाई मैं तो रेडी हो चुकी, मैंने वही सूट पहना है जो मैंने हम कहाँ गए थे मेहंदीपुर बालाजी जब पहना था, क्योंकि मुझे सूट बहुत कंफर्टेबल लगा गर्मी के हिसाब से। और मैंने यार हेयर स्टाइल बनाया थोड़ा डिफरेंट सा जो कि मैं बनाती हूँ, इयर रिंग्स वगैरह पहन लिया, कि भाई जब रिश्तेदार आते हैं थोड़ा आपको अच्छा भी दिखना होता है। घर के रूटीन में तो आप कुछ भी पहन लो चल जाएगा, पर किसी के आने में आप रूटीन पहनो वो अच्छा नहीं लगता। तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है आज, अब दिखाती हूँ। तो भाई मैंने ऐसा हेयर स्टाइल किया है, इयर रिंग्स डाल लिए एंड सूट तो सिंपल सा ही रखा है। और भाई आज बहुत दिनों बाद मैंने नेल पेंट भी लगा लिया है, क्योंकि हल्का कलर अच्छा लगता है मेरे को, रेड भी अच्छा लगता है, पर रेड फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वो शादी वादी में अच्छा लगता है। तो भाई अब बस ये आ जाए, ये नहा धो लें और पूजा कर लें, फिर अपना शुरू करेंगे। घर से भी बहुत लोग आ रहे हैं आज, मैं आप लोगों को उन मेंबर से दिखाऊंगी, मिलवाऊंगी अपने घर के, जो आप लोगों ने ब्लॉग में देखे नहीं है, बिकॉज वो यहाँ रहते नहीं थे, अब वो शिफ्ट हो गए परमानेंट, तो वो भी ये नहीं पता कब तक परमानेंट। तो आपको उनसे भी मिलवाऊंगी घर से जब आ जाएंगे सब। एंड अब आपको बाहर का दिखा चलती हूँ, क्या कुछ बन चुका है, क्या कुछ रेडी हो चुका है और क्या कुछ रह रहा है अभी। तो भाई सब तैयारी हो चुकी है, आटा लग रहा है, आलू उबल चुके हैं, हलवा शायद ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि उस साइड में जो एक पतीला है उसमें हलवा ही है। तो भाई ये तैयारी कर रहे हैं फटाफट, क्योंकि इनको जो समय दिया गया था उसके हिसाब से ये थोड़े से लेट थे, और लेट की वजह से खाना लेट ना हो जाए, तो इनको पहले ही बोल दिया था कि समय से खाना बनना चाहिए। तो भाई अब अपना चलते हैं जिम पे।
तो भाई मैडम यहाँ लग रही है काम पे और आज सुबह भी लग रही है। चल पूजा कर आओ फटाफट से, फिर बालक बालक वेट करेंगे हैं। जल्दी से करो, फिर स्टार्ट करते हैं और पूजा करके फिर बैठते हैं यही, ठीक है। उनकी सब्जी वही छिलन लग रहे हैं यार, यार यार ये हरकत मेरे को पसंद नहीं है। जल्दी होना चाहिए, तू जल्दी कर, तू मरना खड़ी हो गए लगा, तू मैं लगाऊं ला दे। पहले भाई राम जी की आरती हुई थी आज, पहले राम जी की नहीं, पहले राम जी की करते ना, तभी तो वो प्रसन्न हो गई थी, पहले राम जी की करते हैं। भाई प्रगट कृपाल दीन दयाल कौशल हितकारी अशित मेहतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी सोमति जाके बल से गिरवर कापे रोग दोष जाके निकट लगाके अंजनी पुत्र महाबलि दाई संतन के प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ पठाए लंका जाई सिया सुभिलाए लंका सो कोट समुद्र सो सिखाई जात पवन सुत बार नलाए लंका जाई स्तुति सहाय सिया राम जी के काज सवार लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकार आनी संजीवन प्राण उबारे पेटी पताल तोरी जमकार अहि रावण की भुजा उखार बाय बुझा असुर दल मार दाहिने बुझा संत जन तार सूर नर मुखि जन आरती उतार जय 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 हनुमान उचार कंचन थार कपूर लो छाय आरती करत अंजना माय जो हनुमान जी की आरती गावे पति वैकुंठ परम पावे लंका विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाए। जय भाई। मैडम पहले आंटी को दिए जाए प्रसाद, ले आंटी आप खाओ पहले, थोड़ा थोड़ा खाओ सारे, अरे खाओ घर का बना उड़ा ही ले भाई। पहले बोला मैंने कहीं का और रुकना नहीं चाहिए, उसके लिए खा लिया भाई तुमने, देख रहा हूँ तू डाइट पे है, ले पकड़िए मैं भी तो खाऊं, मैं थोड़ा ठंडा खाऊंगा। ये कैमरा पूरा मुड़ गया, इसमें बूंदी भी है, बूंदी भी हलवा नहीं है वो, चूरमा है। उन दोनों को बुला लो, राहुल शाहरुख, इसमें बूंदी भी है, खोल लो उसको। तो भाई कपिल भैया और प्रशांत भैया लेकर आए हैं चूरमा, बूंदी और बूंदी का लड्डू, ये इनके यहाँ पहले हो चुका है और एक्स्ट्रा भी लाए हो ना, बहुत सारा लाए हैं, बहुत सारा मीठा खाओ शुगर का। और प्रशांत से कुछ आप भी खाओगे? अच्छा परेश तो प्रशांत भैया को है ना, जी तू देख रहा है मेरे तरफ डब्बा कब आएगा, अच्छी बात नहीं है ये, घूम घूम के पीछे जा के आ लिया वो, और जीतू तक डब्बा नहीं जा रहा, नहीं बस मन तो है, मन तो है उसका।
चलो भाई साहब को ये प्रसाद खिला दिया, इसके बाद भंडारा शुरू करते हैं। बस यार इतना खरीदा है उसने, क्या पता सी फेंक दियो। तो अभी बोल रहे हैं बस आधा घंटा लगना है, पूरी चलनी बाकी है। आधी आधी होगी, आधी रहेगी बस। और कहाँ है हलवा? हलवा तो बनकर रेडी है भाई, सारी चीज डाल दी है, सब्जी बनी गई है। ठीक है फटाफट करो, बस पूरी बन जाए फिर चलते हैं। एक बार भोग लगाना भाई, बस उसके लिए थोड़ा सा पहले निकलवा देना, एक पूरी दो पूरी सब्जी और हलवा निकाल देना, पहला पहला भोग लगाना है अपने। बट्टी ना हम सीधा भोग लगाते हैं ना, भूख सबको लग रही है पर बोल को ही नहीं रहा। अब देना बस ये फोन, ये कौन लेगा इसको? तू आशु को, आशु फोन पकड़ियो। राहुल सब्जी लेगा। और एक और चश्मा लगा सकते हैं क्या? राहुल अरे लाओ यहाँ यहाँ टांग भाभी सामने साफ दिखोगे नहीं, सब बड़े ज्यादा है। राहुल इधर बन रही है क्या भाभी? क्या वो रील के लिए आ जा? जय
जीतू ने आना चाहिए। अभी ऐसा लग रहा है इसमें देख रहे हो पूरा, कोई ज्यादा न ले जाए। देखो राहुल भैया का आइडिया देखो, और एक प्रशांत भैया के करके उठा रहे थे। भैया हेलो बोलो, व्लॉग में आओगे आप? बोलो हेलो, ब्लॉग में आओगे आप? मेरे ब्लॉग में आप भी आओगे भैया? इतनी पूरी चाहिए राहुल तेरे को अकेले के लिए? इतनी पूरी? और भाई सबसे पहला बंदा यही था हनुमान जी के बाद जिसने भोग लगाया था। और इसका भोग अभी तक खत्म नहीं हुआ। शाम तक चलेगा। अच्छा भैया इसी से शुरू हुआ था और इसी से खत्म नहीं हो रहा। बोलो ज्यादा जल्दी करो, कच्ची पूड़ी उतार देंगे। हाँ तो छोटी लाया, ये सही बड़ी आती है ना। हाँ चलता है, नहीं हो सकता इनका हाथ इसी में बैठता हो, क्या था किसी और को दे रखी हो, ये हो सकता है। अंकु को जूम करती हूँ पहले, इसी ने आगे बेड की बेडशीट झाड़ी थी बैठने के लिए। मेरे को तो एक पूड़ी मिल जाएगी, उसमें पेट भर जाएगा। हेलो आप आ जाते हो व्लॉग में, पर वो क्या नाम है उनका, वीना, हाँ वो जल्दी से नहीं आती, वो मुझ पाती, मैंने सोची उनके लिए है, आई नहीं, वो कहाँ गई है। अच्छा चलो आप लोग खाओ। वेदू वेदू बोलता भी है? हाँ, बोलता है। क्या बुआ? अच्छा मैं वेदांशु, मासी बोला, मासी नहीं उसकी तो बुआ लगती बेटा, उसकी मासी ने जल्दी तो भाई। ये छुटकू वाला मेरे भाई का बेटा, और ये दो बड़े बड़े तो देखेंगे व्लॉग में। बोलो हेलो। हेलो करा हेलो। अच्छा अपना वो बताओ नेम, सर नाम बताओ। वेदांश अपना नाम बताओ। भव्य। और इसका नाम क्या है? ये हो गया बड़ा पार्क की होती जी। नाम है पिया। तुझे लगता भी होता टाइम दिखा दिया था भाई, 5 बजे जाके मैडम खाना खा लिया। क्यों भाई? भूख नहीं थी। भूख ना एक तो घर वाले आ गए थे सारे। समय तो था तेरे यो वाला समय ये बोलना। तो भाई मतलब आज सबके हाथ में भी ब्लॉग नहीं बन पाया, पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्लॉग का याद ही नहीं था।
पर मैंने बच्चों की क्लिप्स दिखाई है, भाई के बेटे की, दीदी के बच्चों की, तो ये बच्चों के साथ ही थोड़ा सा कि इस वक्त कोई आया नहीं था, जब भीड़ भरने लगी ना तो थोड़ा सा ऐसा हो गया कि हाँ तो कोई याद ही नहीं, मेरे को फ़ोन ही नहीं मिला था, कहाँ पर है मेरा। मैं बच्चों की क्लिप बना पाई हूँ, अगली बार नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तब मैं ज़रूर क्लिप बनाऊँगी सबके साथ, अगली बार दिखाऊँगी सबको, तो बच्चे देख लेना भाई, बच्चे भाई बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, बड़े हाई भी बच्चे 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 मिल जाते हैं भाई, उनको फिर नहीं रोक सकते आप। और भाई अब जाके मैं खाना खा रही हूँ, मैं किचन समेट के आई हूँ, बस बर्तन धोने रह गए, किचन समेट दी वैसे, इसके बाद चलेंगे गौशाला की तरफ, ठीक है। खाना खा लूँ, बर्तन धो लूँ, इतना खाना खा लो, सब कुछ कर लो, पर थोड़ा सा रेस्ट करना है मुझे, प्लीज रेस्ट करना है। आप फोन छोड़ के आधे घंटे सो लो, फिर लेट रहा हूँ मैं बस, कोई ना, ठीक है ना। बर्तन धोते धोते मेरे कमर में दर्द हो गया, कैसे ये सारे धो गए, वो सारे धो गए, सेट कर दी ना दोबारा, जो बचा वो राशन है जो रोड पे, जो रोड पे आंधी चल रही है, जो रहते हैं ना चूल्हे भी ईटों के चूल्हों पे बनाते हैं, उनको देखना है, ठीक है ना। अभी आंधी पता नहीं क्या इतनी तेज क्यों आ रही है, समझ नहीं आ रहा, और ऐसी आंधी सुबह आ जाती तो बन जाता खाना बन जाता रहता है, देखिए अभी मौसम बारिश वाला हो रहा है, बारिश वाला पेड़ कैसे गए, पता क्या आटा पूरा हो जाता पर उसमें जो आलू थे ना, जो मैं कहती शक है मुझे, तो मेरा आलू सही थे, आदमी का सर गलत निकला पर आलू का भी सही निकला, सच में उसे निकाला ना आलू में काला बन था, उसे दिखाया, कहते देखो इसको देख कैसा लग रहा है, कितना पुराना है, उसे स्किन ही मुरझा जाती है इस तरीके से, कहता परसों भी लाया तो भी आलू ऐसे नहीं होएगा, बोलना वो तो मैं खुद मांगती इस बात को, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैंने कि पैसे उसने अच्छे के लिए दिया क्या माल है, तभी वो देख के दिख रहा था सामने बोरी से, अगली बार से नहीं लाना ऐसे सामान, पैसे दो चीज पूरी ना आए, वो भी सही पूरी तो छोड़ो सही भी ना आए, तो वही अब सारा काम हो गया, सब निपट गया, बस ये पूरी बची है और थोड़ी सी बाहर कट्टे में कूड़ा मैंने समेटी दिया है, ये भी दे रही है वही रोड पे किसी को, माता ना पीना किसी ने पीना पिए सबने पिए, ये कहते हैं दोनों भाई और पापा तो वहां चले गए थे, बस वही रह गए थे, बच्चों ने पिए, भाभी ने पिए, दीदी ने पिए, सबने पिए, और हिमांशु वाले को मैसेज खाना दिया जा रहा है, खाने का टाइम था वो, चलो मैडम टिक जा तू तू, तो सुबह कर लेती यार, हद होगी, कहाँ का बदले, ये तो है ये सारा सिस्टम खराब, हाँ तो मोटर में बनना पार जी पानी हो गया, तो मैडम इतने को और साफ कर रही भाई, देख रहे कितना गंदा हो रहा, सारे बर्तन वर्तन वाड़ा आएगा अभी, जब उठा कर ले जाएगा उसके बाद करेंगे यहाँ का काम, यो के डाल दिए सारा सर्फ पाउडर निर्मा घड़ी डिटर्जेंट वेरी गुड मैडम वेरी गुड, चलो फटाफट से करके चलते हैं मैडम, मैंने भी कल भी करना, कल तक तो धूप सोख ली किसको, आज थोड़ा ठंडा भी है, काम भी हो गया, काम भी हो गया साथ में छूट भी रहा है, हाँ मैं तो छुटा भी दे जाती, और फिर कल किस तरह ब्रश लेके किसी से भी साफ ना होता, ये वो तो गया यार अधिकतर साफ कर दिए तुझे, हाँ इसे कहते हैं जाटनी, इसे कह दे जाटनी कैसे,
फुर्ती में तो काम कर दिया, पर रात में भी हाथ पैर ये चूस रहे हैं, मेरे चूस रहे हैं। बिल्कुल भी सब हो गया। चलें जी, चलो ये कट्टा कूड़े का फेंक देना, वो गौशाला ले जाना, बस अब सुबह की झंझट खत्म। ठीक, पावन भी तो किराई देगी है। हाँ, कोई नहीं, एक करके खिला दे, टमाटर खिला दे, फिर देर लगे। यहाँ के यहाँ मांग रही इसको दे बार बार। दूसरे का मौका नहीं आना चाहिए क्या? वे पीट दी पीट दी पीट दी, एक एक पीट दी गलती से। चलो जी चलो, कितने साल हो गए? दो से चार, तीन। चलो एक ही लगा, हाँ ही रहता हमेशा दीदी। ना बोले हम बताएंगे, हम ले गए चलो जी चलो चलो, बैठो तो सही भाई। पक्का करने आए बैठो, नीलो पक्का करने आए बैठो। उसके लगा दो ना, अरे ये उसके लगा दो, ये नहीं लगा रही। चलो जी सर, एक सीधे में बढ़ाऊ ना, तुम्हारा था आपका फोन। हैप्पी एनिवर्सरी आगे टू यू। भाई यहाँ कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को, देख रहे और किसके घर जा रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, लाइट तो जलाओ, दिख ना रहा यार तू, इतना काला ना हो। मैडम के लिए आई तो भाई, तो भाई मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। हाँ। और जो आगे ड्राइव कर रहे हैं दोस्तों, आज मेरी एनिवर्सरी है, जिस जिसको गिफ्ट करना है ऑनलाइन अभी स्कैनर डाल देंगे, उस पे पे कर देना। जिसने अपनी बेबी बीवी रुसा के और उसके घर भेज दी है, बताओ इनको बोलना चाहिए कुछ, देना चाहिए? ये सब बहकावे की बातें हैं। तो आप क्यों जा रहे हो घर अपने ससुराल? कहाँ जा रहे हैं हम? तो कहाँ जा रहे हैं? रेस्टोरेंट का रास्ता है, दूसरे गाड़ी में हैं साथ में, बच्चे हैं ना, बच्चे हैं साथ में। और भाई केक में, और मेरा के जो वो मोमबत्ती वो जलने वाला ना रहा ऊपर तक, बार बार नू कह रहा ना ना सुन तो ले के बोल रहा है, नू कह रहा भाई इसे ना देख रहे हो आप इतनी देर तक, ये ले रही है। अच्छा आप कह रहे हो तो ले लेता हूँ, बड़ा ही है। देखने वाला सुन लो, ये आए हमारे कहने थे, वो बता देना उसके अंदर डाल दूंगा, बता देना मेरे को क्या लेना है, पे कर देना, मैं ले लूंगा। ये तो बता दो, ये आया भी हमारे कहने से उठा, ये हमारे कहने से आ गया ना, तो आता भी नहीं है तो भाई है। नीलम सही लड़े जाए यार तेरे गला यार, गलत है यार तू, तू गलत है। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तो भाई बस पहुँचने वाले है, सारी चीज ले आए, फल फ्रूट अलग तो ले आया, हाई है छोरा। हम इनके ससुराल छोड़ कर आएंगे, ये संडे को आएंगे, हम इनको संडे को दोबारा ले लेंगे। भाई संडे आ जाओ ना, वही छोड़ के आएंगे इनको। ठीक है, ठीक है मैडम। अभी तो हाँ बोल रहे हो, अंदर से हो रहा है, बाद में बताऊंगा। हाँ जी मैडम, आ गए घर? क्या हुआ? नहीं हो रहा, जा रहा है क्यों? हाँ जो भी बात है बता दो। अच्छा फिर क्यों कर रही तेरे साथ? मैं बोलूँ तो जी, ठीक है
आराम से उठ जाइए। इसीलिए लोगों को भी यहाँ करते हैं और कर्म के बाबा बोलने लगे जाते हैं।